금요일인가 네가 만나 잤던 날 그 시간이 흐르나 너와 나 생각해봤어 무슨 일일까 아니 무슨 말을 할까 아니 무슨 옷을 입을까 그렇게 금요일이 왔어 너의 발을 맞추려 할 때마다 넌 밖에 걷는 걸 느껴 온 맘 말 말도 못한 채 네 옆에 서 있는 내가 널 안아볼 수 있다면 여기까지 Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. कैसे आप? Hope आप सभी अच्छे होंगे. मैं भी अच्छी. मतलब अभी मिड टर्म चल रहा है. मिड टर्म का मेरा लास्ट एग्जाम आज हो चुका है, जो कि मतलब इतना अच्छा भी नहीं हुआ और इतना बुरा भी नहीं हुआ. मतलब ठीक ठीक हुआ. बाकी आजकल हमारे एग्जाम्स चले हुए थे लगभग एक महीने ही मान लो, जिस वजह से मैं कुछ वीडियो शूट नहीं कर पाई. आज लास्ट डे था तो मैं बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत शूट किया सुबह से. एंड अभी हमारे विंटर हॉलीडेज शुरू होने वाले हैं. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. अभी फाइनल एग्जाम्स बाकी है हमारे, तो फाइनल एग्जाम्स के लिए हमको घर से प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा. मैक्सिमम लड़कियाँ जा चुकी है, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे जा चुके हैं. हमेशा मैं लास्ट में रह जाती हूँ. मैं शायद से ही बस में जाऊँगी. हमारे एक रिश्तेदार है, उन भैया के साथ जाऊंगी शायद से. अभी मैं वैसे जा भी नहीं सकती दो दिन के लिए, क्योंकि मेरा बहुत सारा कपड़ा धोने को है. तो मेरे को खुद को नहाना है. बाल कब से नहीं धोए, कितने दिनों से मैंने अपने बाल नहीं धोए. कपड़े वपड़े सारा यहाँ पे धो के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं किन्नौर जा रही हूँ और वहाँ पे मतलब माइनस टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा ठंड होगी. एक तो पानी की भी बहुत ज्यादा कमी होगी. ये मेरा बेड है, पूरा बिखरा है, और वो जो खुला हुआ अलमारी है वो भी मेरा है. तो सारी चीजें अभी सेट करनी है. ये देखो गाइस, पता नहीं यहाँ पे क्या आ रहा है, दिख रहा है हमें? वहाँ बोलते शायद इधर भी आ रहा है और नाक पे भी आ रहा है. अभी मेरे को अपना सारा कुछ काम करना है. ये रहा मेरा अलमारी बेड, ये है मेरा स्टडी टेबल, चेयर, जूते, सारा चीज बिखरा है. इन दौरान एग्जाम चल रहे थे और हमने अपने रूम भी सफाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. जो कपड़े मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ ठूस दिए. हर जगह यही बिखरा पड़ा है, देखिए. तो आज मैं ये सारा सेट करूंगी, अपना बेड से लेके अपना जो भी कपड़ा धोने को है. इतने ही कपड़े नहीं रहते, अभी मेरे बाहर भी कपड़े सुखाए, जो कि धोया नहीं है. ये रहा. मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बैग में लेकर जाऊँ. मैंने सोच लिया मैं अपने कपड़े इस बैग में लेके जाऊंगी. मैं रिस्क उठाकर अपने कैमरे को रखने वाली हूँ इस पे, पंखे के ऊपर लटकाऊंगी ऐसे. एंड शूट करूंगी ऐसे. तो मैं आपको मिलती हूँ अभी सेट करके. आधे कपड़े मैंने पैक कर लिए, बाकी जो कपड़े दूंगी उनमें से भी कुछ घर ले जाने को है, तो वो कल तक सूखेगा, तब बाकी पैक करूंगी. अभी चलते हैं कपड़े धोने के लिए. पहने हुए कपड़े उनको भी धोने को है, तो मैं अभी चेंज करती हूँ. गाइस अभी 5:30 हो गया और हमारा कॉमन रूम का टाइम हो चुका है. अभी मैं कपड़े भिगो के कॉमन रूम के लिए जाऊंगी, उसके बाद आके कपड़े धोऊंगी. और वो जो रॉड में पानी गर्म किया था वो गर्म ही नहीं हुआ कब से. अभी मैं देखने गई तो वो जो रॉड है वो खराब हो चुका है, तो इस वजह से मेरे को टाइम लग गया पानी गर्म करने में. कपड़े भिगो के कॉमन रूम के लिए चलते हैं. तो फाइनली सारे कपड़े धुल चुके हैं, ये देखिए. अभी जल्दी से इनको सुखाते हैं. वैसे ये कोट भी धोना था बट इनको ठंड लग रही थी तो मैंने इसको पहन लिया. ये देखिए गाइस सोलन का व्यू. तुम उड़े जा रहे हो. तो गाइस मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए हैं और मेरा हाथ पूरा जम चुका है. तमल हाँ डिनर करके हम लोग फिर मिलते हैं आपसे. तो गाइस
गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है. अभी मैं जा रही हूँ शिमला, वहाँ पे मेरे एक कजन भैया है, उनके साथ मैं जाऊंगी गाँव. जिनके साथ मैं पहले जाने वाली थी उनको 10 दिन और लग जाएंगे. मेरे को जल्दी जाना है गाँव. एक तो मम्मी अकेली है गाँव में. मम्मी ने आज सुबह कॉल किया और बोल रहे थे कि अभी निकलो शिमला में, भैया वेट कर रहे हैं. तो मैं अभी निकल रही हूँ और फोन में बैटरी भी नहीं है. 35% बैटरी बचा है. पता नहीं अब मैं क्या करूंगी 35% बैटरी का. तो अभी मैं निकल रही हूँ, जल्दी में निकलना पड़ेगा. और बैग भी सारा पैक कर लिया मैंने, तो ये बैग लेके जाने वाली हूँ मैं. तो गाइस चलते हैं शिमला की तरफ. तो बाय बाय हॉस्टल. No, I can't forget tomorrow. When I think of all my sorrow, when I had you there, but then I let you go. And now it's only fair. So, अभी मैं पहुंच गई हूँ शिमला बस स्टैंड. भैया अभी लेने आएंगे मेरे को ओल्ड बस स्टैंड में. तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ. बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो मैंने यहाँ पे मोमो मंगवाया है. तो गाइज मैं बैठ चुकी हूँ अपने भैया के गाड़ी में और पीछे सामान देखिए गाइज पूरा मतलब पीछे भरा हुआ डिक्की. मेरे साथ टोटल 4 भैया जा रहे हैं, एक मेरे खुद के कजन भैया. आज का रामपुर तक प्लान है. तो कल सुबह रामपुर से किन्नौर के लिए निकलेंगे. अभी हो गया 8:40 हो गए और हम लोग डिनर करके आए नीचे. पता नहीं रेस्टोरेंट था. हम यहाँ पे रुके हुए एक होम स्टे पे जो कि कुछ ऐसा दिखता है. ठीक ठीक है. पता नहीं कल सुबह निकलेंगे यहाँ से किन्नौर की तरफ. बाकी भैया वगैरह बाहर गए और मेरे को बहुत शर्म आ रही थी उनके सामने शूट करने में. रास्ते में भी तो सोते सोते आई हूँ क्योंकि बहुत उल्टी जैसा आ रहा था. मेरी तबीयत खराब हो गई थी. कैसे शिमला पहुँच गई, कैसे शिमला से रामपुर पहुँच गई समझ ही नहीं आई. सोलन के कम्पेयर में तो रामपुर बहुत ज्यादा ठंडा है. मेरा तो पैर पूरा जम गया. पियो अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं यहाँ पे. पियो पेट्रोल, पियो नहीं पू पू पेट्रोल पंप पे पहुंचे. तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मेरे शक्ल की तो बैंड बज चुकी है. अभी भैया वगैरह यहाँ पे चाय पी की और फिर वो लोग चले गए. बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे. मेरा तो हाथ पूरा ऐसे जम गया. अभी मैं आग के सामने बैठी हूँ. पूरा मतलब गांव इतना सुनसान जैसा लगता है. सर्दियों में तो एक तो सारे गांव वाले नीचे चले जाते हो. यहाँ पे ज्यादा रहने वाले नहीं होते. हर घर में कुछ कुछ लोग होते होंगे, एक दो लोग. इस बार सर्दियों में मैं और मम्मी हम दो ही रहने वाले घर में. पापा कुल्लू गए हैं, एक महीना कुल्लू रहेंगे. हेलो, कैसे हो? तो गाइस अभी बज गए 11 और ये मेरी कजन. हेलो. और अभी हम दोनों एक मूवी, कौन सी मूवी है, कैसा है मूवी? अम्मा यहाँ पे लाइव देख रहे हैं दलाई लामा जी का. अम्मा हेलो सर. अम्मा कैसा लग रहा है? उर्गी ना के अच्छी लग रही. इतना ठंड है गाइस. देखो कितना अच्छा मौसम है और बहुत ठंड भी है. उधर उधर देख सकते हैं. विजन ये कैमरा पकड़ो तो. तुम्हारे हाथ का है. मोए 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 मोए. मुंह धोने का बहुत मजा आएगा. तो
इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा होने वाला है। कल मैं नया व्लॉग शूट करूंगी, पता नहीं रास्ते में कैसा कैसा बना होगा। होप आप सभी को पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक कमेंट शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इससे भी अच्छा व्लॉग लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच जो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं। ओके बाय।